कोई एक लेक्चर देख करके कि हाँ बंदा ठीक पढ़ा रहा है तो सारे लेक्चर देख लेना उसमें आपका ही फायदा है और जब तक आपका एग्जाम का डेट अनाउंस होगा उससे पहले या डेट अनाउंस होने के बाद भी कम से कम एक दो महीने का टाइम तो आपके पास रहेगा ही तो उसके अंदर हम खत्म कर देंगे पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ डो नॉट वरी अबाउट दैट ठीक है कि आ, इंडस्ट्रियल या नहीं होगा और पिछले जो वीडियोस डले हुए हैं जो पिछले प्ले लिस्ट के अंदर डले हुए सारे के सारे रेलिवेंट लेक्चर्स हैं क्योंकि स्टैटिक पार्ट ही कवर किया है उसके अंदर भी ओके तो वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं ओके दैट विल बी इक्वली गुड और जो ये लेक्चर्स हैं दोनों को इकट्ठे देखो मतलब दोनों दोनों प्लेलिस्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलेगा सो कलेक्टिव बारगेनिंग पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने तीन टॉपिक्स को डिस्कस करना है एक तो हम सबसे पहले समझेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग ठीक है कलेक्टिव uh, बारगेनिंग uh, का जो कंसेप्ट है उसको समझते हुए फिर हम देखेंगे कि सेटलमेंट uh, क्या होता है व्हाट डू वी मीन बाय सेटलमेंट एंड फिर कलेक्टिव एग्रीमेंट को समझेंगे ठीक है कलेक्टिव एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे ऑलराइट सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग इट दीज आर द ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स सबसे एडवांटेजियस कोर्स है इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉस सोशल सिक्योरिटी और गैप के एमसीक्यूज रहेंगे टेस्ट फॉर्म में एंड डिटेल सोल्यूशन उनके रहेंगे साथ ही साथ अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको अलग से यूट्यूब के लिए सब्सक्रिप्शन लेने यूट्यूब फाइल्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है पीडीएफ फाइल्स के लिए वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है जहां पर बेसिकली क्या है एक नेचुरल गिव एंड टेक का प्रोसेस है एक टेबल के ऊपर इंप्लॉयर भी बैठेंगे और इम्प्लॉय भी बैठेंगे और जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक के आने की कोशिश करेंगे. और इसीलिए है, इसी है, क्योंकि ये नहीं है. अब यहां पर कोई भी इंप्लॉई जब वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठा है तो वो रिजिड होकर के नहीं बैठा है कि मेरे को तो ये मांग अपनी मनवानी मनवानी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू द बार्गेनिंग प्रोसेस कुछ ना कुछ टेक प्रोसेस यहां पर रहेगा कुछ सेक्रीफाइस इंप्लॉयर करने को तैयार होगा कुछ सेक्रीफाइस इंप्लॉय करने को तैयार होगा ठीक है तो एक तरीका का क्या है ये ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में तो कलेक्टिव बार्गेनिंग सारे का सारा जॉइंट कंसल्टेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड है ताकि जो प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अवॉइड किया जा सके तो आप बोल सकते हो कि एक तरह का डेमोक्रेटिक और सेल्फ गवर्नमेंट एक्शन है क्योंकि यहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रही है जो दो पार्टीज हैं जिनके डिसीजन एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं वो एक डेमोक्रेटिक वे में बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे और राइट ना कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि कैसे आप कलेक्टिव uh, बार्गेनिंग के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो तो सबसे पहले तो क्या बोला जाता है कि जब आप टेबल पे बैठे हो तो आप प्रपोजल लेकर के बैठे हो डिमांड लेकर के नहीं आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं ये प्रपोज करता हूं एक तरीके से आप आइडियाज दे रहे हो जब आप डिमांड रख रहे हो फिर तो मतलब आपकी रिजिडिटी हो गई ना फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वहां पर तो रिजिडिटी आ गई कि ये मेरी डिमांड है इसको फुलफिल करो ओके अवॉइड टेकिंग पब्लिक पोजिशन फॉर और अगेंस्ट सर्टन प्रपोजल इन एडवांस ऑफ नेगोसिएशन ठीक है तो बेसिकली आप एक तरह का जो आ, होता है ना कि भीड़ का जो व्यू है वो व्यू मत लें ठीक है या एकदम से बिल्कुल किसी प्रपोजल के अगेंस्ट या एकदम से बिल्कुल किसी प्रपोजल के साथ हो जाना इज नॉट गुड क्योंकि उसमें फिर आपका नेगोशिएट करने का स्ट्रोक नहीं बचता जब नेगोशिएशन शुरू हो रही है तभी स्ट्राइक के वोट इकट्ठे करना कि भाई स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइक करेंगे वो अवॉइड करें नेगोशिएटर को प्रॉपर अथॉरिटी दें बार्गेन करने की जो भी है जिसको भी आप अपना नेगोशिएटर बना करके बिठा रहे हो चाहे आप वर्कर हो चाहे आप मैनेजमेंट हो उसको टाइम तो दो बेचारे को बातचीत करने की अननेसेसरी डिलेज अवॉइड करें नेगोशिएशन uh, को शुरू करने में ठीक है फैक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे uh, काम करें प्रपोजल्स जो है जितने ज्यादा आप प्रपोजल दे पाओगे उतना ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कॉम्प्रोमाइज करने की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रिपेयर भी रहना ऐसा नहीं है कि बस मेरी मेरी बात मानो रिजल्ट्स ग्रेजुअली भी मिल सकते हैं अच्छी मैनर्स बना करके रखें वहां पर गुंडिया हरकतें मत करें ठीक है और साथ ही साथ आपको अपने अंदर और अपने फेलो वर्कर्स के अंदर एक ये भी एटीट्यूड लेकर के चलना है कि आप एक लंबे और हार्ड स्ट्राइक या लॉकआउट के लिए भी तैयार हो ठीक है अगर आपके फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है लेकिन इंप्लॉयर के एंड पे से या इंप्लॉयर होते हुए आपके फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है लेकिन वर्कर के एंड पे से कोई ऐसी बात आ रही है कि वो आपके फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड्स के ऊपर लगे हुए हैं तो आपको इस चीज के लिए भी रेडी रहना होगा अब जब हम कलेक्टिव uh, बारगेनिंग की बात करते हैं तो एक और कंसेप्ट हमारे पास निकल करके आता है जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट सेटलमेंट का जो पूरे का पूरा प्रोविजन है ना ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भी डिफाइंड है अब कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर नहीं हुई आपकी ठीक है टेबल के ऊपर बैठे हो आप दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हुई कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ ठीक है तो सेटलमेंट दो तरीके से हो सकती है एक तो आप

आपके टेबल पे बैठे होने से यानी कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जहां पर नहीं हो रही तो उस केस में तो जो एग्रीमेंट जो फाइनल एग्रीमेंट आएगा जब आपकी कलेक्टिव बारगेनिंग खत्म हो जाएगी ना जब आप टेबल पे बैठ जाओगे और आपके बीच में डिसीजंस हो जाएंगे तो आप एक एग्रीमेंट साइन करोगे जिसको बोलते हैं कलेक्टिव एग्रीमेंट इसके बारे में अभी आगे देखेंगे तो जब आप एक कलेक्टिव बार्गेनिंग को एंड करके कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन करते हो बिना किसी कंसिलेशन प्रोसीडिंग के तो फिर तो जिन पार्टीज ने वो एग्रीमेंट को साइन किया वो सिर्फ उनके ऊपर लागू होगा और वो किसी दूसरी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होगा ठीक है वो किसी दूसरी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होगा वहीं दूसरी तरफ अगर सेटलमेंट होती है कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू, तो वो हर बंदे के ऊपर लागू होगा उस स्टेब्लिशमेंट में इसको कैसे समझो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है ठीक है और इंप्लॉयर की एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के साथ कलेक्टिव बारगेनिंग हुई टेबल पे ये बैठे एक सिंगल ट्रेड यूनियन के साथ और यहां पर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया ठीक है अब यहां पर कोई किसी तरह की कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स नहीं हुई है इनके बीच में आपस में टेबल पे बैठ करके इन्होंने बात कर ली तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंप्लॉयर और इस ए ट्रेड यूनियन के बीच में हुआ है तो ये एग्रीमेंट सिर्फ ए ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के ऊपर लागू होता है बी और सी ट्रेड यूनियन के ऊपर लागू नहीं होगा ठीक है बट अगर प्रोसीडिंग हो रही है, यानी कि ऑफिसर के पास केस चला गया उस केस में जो एग्रीमेंट फिर फाइनली साइन होगा वो सबके ऊपर लागू होगा वो इंप्लॉयर के ऊपर भी लागू होगा ए के ऊपर भी होगा बी के ऊपर भी होगा और सी के ऊपर भी होगा ठीक है ये चीज ध्यान रखनी है ऑलराइट अब सेटलमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रिंसिपल जो है वो दिए हैं देर वॉज अ केस कॉल्ड हर्बिटसन लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन ऑफ हर्बिटसन लिमिटेड नाइनटीन सेवेंटी सेवन का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेटलमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हैं क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्टली पूछ सकता है दैट इन विच अमंग द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द डाउन सर्टन प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग सेटलमेंट सीधा सा क्वेश्चन चार जजमेंट के नाम दे देगा ए बी सी डी करके उसमें से फिर आपका आंसर जिसके अंदर हर्बेट सर्कमेन लिमिटेड, लिमिटेड होगा हो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता बढ़िया सा चलो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो जी जो यूनियन नेगोसिएशन में है उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी है वो बड़ा मैटर करेगी सेटलमेंट के केस में ठीक है क्योंकि जब बात यह होगी कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ट्रेड यूनियन है अगर ए ट्रेड यूनियन में मेजोरिटी ऑफ मेंबर ज्वाइन हुए हुए हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल साठ लोगों ने ए परसेंट ए ट्रेड यूनियन को ज्वाइन किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अच्छी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है एक ऑर्गेनाइजेशन के सौ वर्कर में सर्वकर ने 8 रेड यूनियन ज्वाइन किया हुआ है तो उसको हम एक वैलिड सेटलमेंट कंसीडर करेंगे जो बाकियों के ऊपर भी लागू हो जाएगा ठीक है जी सेटलमेंट जो कलेक्टिव बारगेनिंग के टाइम पर आप होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में उसको ड्यू वेट एंड कंसीडरेशन मिलेगा उसको आप ऐसे नहीं कंसीडर कर सकते कि ये तो फालतू की बातें हो गई ठीक है जी सेटलमेंट हैजू बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ कंडीशन दैट वर इन फोर्स एट द टाइम ऑफ रेफरेंस तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या बोल रहा है जब एक इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में सेटलमेंट आई उस समय कंडीशन हो सकता है कुछ हो ठीक है आफ्टर समटाइम द कंडीशन में चेंज अगर कंडीशंस चेंज हुई हैं तो डेफिनेटली उस केस में रीनेगोशिएशन uh, का जो ग्राउंड है वो फॉर्म हो सकता है और फिर इंप्लॉयर या इंप्लॉई ये बोल करके उस बात को नहीं टाल सकते कि भैया हमारा तो कलेक्टिव एग्रीमेंट साइंड है तो उस केस में जो कोर्ट्स हैं या जो एजुडिकेशन अथॉरिटीज uh, हैं वो ये भी देखेंगे कि पहले कंडीशन क्या थी और अब कंडीशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक एडॉप्ट करना है नेगोशिएशन के अंदर ठीक है आप अगर अपनी कोई बात रख रहे हो तो आप दूसरे की भी कोई बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो बेटा मियाँ बीवी वाला है सिस्टम ठीक है वैसे तो मियाँ बीवी वाला नहीं मिया बीवी वाला तो जनरली लोग अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि सर ये तो वन साइडेड ही होता है कि हमारी तो कोई डिमांड पूरी नहीं होती एज अ हस्बैंड बीवी की सारी पूरी होती है बट मियाँ बीवी के भी अगर हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की भी बात करते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल क्या होता है कि गिव एंड टेक होना चाहिए यू आर रेडी टू गिव समथिंग यर वाइफ एंड वाइस ए वर्षा होगा ठीक है और ऐसा होता भी है जो सक्सेसफुल मैरिजेस होती है ज्यादातर उनके अंदर यही प्रोसेस होता है एवरी पर्सन इज गिविंग समथिंग वही प्रिंसिपल यहां पर भी फॉलो करना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर भी या कलेक्टिव बारगेनिंग के अंदर भी एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको ध्यान से समझो ये जो लास्ट पॉइंट है पहले समझो फिर इसको रीड कर लेना अब सेटलमेंट हुई इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में अब उसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं सेटलमेंट के ठीक है अब जो ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसमें आप बोलो एज ए इंप्लॉई आप बोलो कि ये पॉइंट अच्छा है ये पॉइंट अच्छा है बाकी सारे पॉइंट बेकार हैं ठीक है थीके? तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो सेटलमेंट है ना ये एक कंप्लीट पैकेज है ठीक है ये एक कंप्लीट पैकेज है इसमें आप पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर सकते कि जहां पर जिन पॉइंट्स में आपका फायदा हो रहा है वो तो आप कह दो अच्छे हैं जिन पॉइंट्स में आपको थोड़ा देना पड़ रहा है वो पॉइंट्स आप कह दो कि बुरे हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जहां जहां पर पर वेज इंक्रीज इंक्रीज हो हो रही है, हो रही है है आपकी बेसिक पे वो पॉइंट आप कह दो हाँ बड़ा अच्छा है सेटलमेंट में और दूसरे किसी पॉइंट में आपका थोड़ा सा डियरनेस अलाउंस कम किया हुआ है तो वो आप कह दो बुरा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये तो पूरे का पूरा पैकेज है तो या तो सेटलमेंट एज अ पैकेज आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए या सेटलमेंट एज अ पैकेज आपको अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए यानी कि आपको पूरा सेटलमेंट आप बोलोगे कि हाँ ये फेयर है या पूरे का पूरा अनफेयर है उसके अंदर आप आप पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं enlist कर सकते क्योंकि अगर उसमें से points enlist करने लग गए कि ये अच्छा है या ये बुरा है तो उस केस में तो क्या होगा उस केस में तो फिर बात वही आ गई फिर तो कलेक्टिव बारगेनिंग का जो ग्राउंड है जो गिव एंड टेक का ग्राउंड है वही खत्म हो गया ठीक है तो वो गिव एंड टेक का ग्राउंड तो मेनटेन रहेगा ओके okay. All right. उसके बाद जी सेटलमेंट के अंदर एक वॉल्ट्री सेटलमेंट को डिस्टिंग्विश करना है एजुडिकेशन से जहां पर वॉलेंट्री सेटलमेंट बेसिकली कोई थर्ड पार्टी नहीं है ठीक है थर्ड पार्टी जहां पर नहीं है सिर्फ इंप्लॉयर और इंप्लॉई आपस में वॉलेंट्री सेटलमेंट कर रहे हैं और क्योंकि ये वॉलेंट्री सेटलमेंट को हम एक एजुडिकेशन प्रोसेस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एजुडिकेशन प्रोसेस क्या है जहां जहां पर पर कोई कोई ऑफिसर है है ट्रिब्यूनल तो जो ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल हैं वो आप वॉलेंट्री सेटलमेंट के ऊपर मत लागू करें ठीक है ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल फेयर एंड जस्टिस के कुछ और हो सकते हैं उसको मत यहां पर लागू करने बैठ जाना तो वो फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी अ सेटलमेंट शुड नॉट बी हाईली अनकॉन्बल और ग्रॉसली अनजस्ट सेटलमेंट का मतलब यह भी नहीं है कि अगर अब दोनों पार्टीज ने सेटलमेंट कर ली लेकिन किसी एक पार्टी के लिए वो कंप्लीटली अनजस्ट है तो वो भी नहीं होना चाहिए सेटलमेंट क्योंकि एक पैकेज है जैसे मैंने आपको बताया तो इसको या तो आप कंप्लीटली एज अ पैकेज एक्सेप्ट करोगे या कंप्लीटली रिजेक्ट करोगे बिट्स एंड पीसेस का सिस्टम नहीं चलेगा अगर सेटलमेंट को लार्ज मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल कंसीडर की जाएगी इवन इफ माइनॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर सेइंग कि नहीं ये अच्छा सेटलमेंट नहीं है तो फिर वो साइन किया जा सकता है तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं नाउ फाइनली जब एक कलेक्टिव का प्रोसेस शुरू हो गया और एक सेटलमेंट का प्रोसेस स्टेब्लिश हो गया तो फिर एक एग्रीमेंट साइन होगा ठीक है जी जहां पर दो पार्टीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए हैं और दे हैव एग्रीड की लेटर्स गो फॉर द एग्रीमेंट अब कलेक्टिव एग्रीमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है ठीक है वो डिपेंड करेगा कि स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन क्या है उस कंट्री के अंदर एंड किस लेवल के ऊपर एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया गया है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर है रीजनल लेवल के ऊपर है नेशनल लेवल के ऊपर है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड उस पर डिपेंड करेगा कलेक्टिव एग्रीमेंट किस टाइप का साइन होता है इंडिया में तीन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं जब हम कलेक्टिव एग्रीमेंट की बात करते हैं सबसे पहले तो वॉलेंट्री एग्रीमेंट आ गया वॉलेंट्री एग्रीमेंट क्या है जहां पर दोनों पार्टी साथ में बैठी और उन्होंने आपस में बातचीत करके काम कर लिया ठीक है सेटलमेंट क्या हो गया जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है कंसिलियन ऑफिसर आ रहा है थर्ड पार्टी आ गई कंसेंट अवार्ड क्या है कंसेंट अवार्ड के अंदर अब ट्रिब्यूनल या कोर्ट आ जाता है ठीक है सेटलमेंट में भी जब बात नहीं क्योंकि सेटलमेंट में भी क्या होता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर उनके बीच में बैठा है दोनों को वो कहेगा कि आपस में बात करो और आपस में सॉर्ट आउट करो ठीक है जहां पर भी कंफ्लिक्ट आएगा वहां पर वो उस कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा कंसेंट अवार्ड तो एक जज वाली कंडीशन होगी जैसे आप मूवीज में देखते हो ना सामने एक जज बैठा है दोनों अपनी बातें रखेंगे और फाइनली जो जो जज होगा ट्रिब्यूनल होगा वो अपना फैसला सुना देगा ठीक है तो कंसेंट अवार्ड वो हो गया तो इंडिया के तीनों इंडिया के अंदर आपको तीनों टाइप के एग्रीमेंट मिलेंगे वॉलेंट्री भी हो गया सेटलमेंट भी हो गया और कंसेंट अवार्ड भी हो गया अब जब कलेक्टिव बारगेनिंग से एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया ठीक है जी तो वो एग्रीमेंट हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे लागू होगा यानी कि अब आपके और वर्कर्स के बीच में एक कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन हो गया कल को कोई नया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ये एग्रीमेंट रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल वेजेस था तो क्या ये इस इंप्लॉय इस नए बंदे के ऊपर भी ये एग्रीमेंट लागू होगा इसकी जो वेजेस के टर्म्स होंगे वो भी उसके अंदर भी ये जो एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स आई है वो एडिड होंगी या नहीं तो वो जनरली एडिड रहेंगी कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि इंप्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो एग्रीमेंट किसी भी वर्कर के ऊपर लागू करे ठीक है वो ये बोलेगा कि भाई मेरी तो ए ट्रेड यूनियन के साथ नेगोशिएशन हुई है तो मैं सिर्फ ए ट्रेड यूनियन के वर्कर्स के ऊपर ये जो कलेक्टिव एग्रीमेंट के टर्म्स है इनको लागू करूंगा या मेरी तो प्रेजेंट वर्कर्स के साथ हुई है

या नहीं है और एक बार अगर आपका कलेक्टिव बारगेनिंग साइन हो गया तो उसको एनफोर्स किया जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो भी सेटलमेंट सेटलमेंट हुई है है और अगर को ब्रीच करता है, क्योंकि इट विल बी टेकन एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन किया है वर्कर और इंप्लायर ने उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट डील किया जाएगा और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कोर्ट के अंदर डील किया जा सकता है और पेनलाइज किया जा सकता है नो कलेक्टिव एग्रीमेंट से रिलेटेड ही एक ILO की रिकमेंडेशन भी है जो है ILO रिकमेंडेशन नंबर 91 तो बेसिकली कई बार वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि ILO रिकमेंडेशन नंबर 91 किस चीज से रिलेटेड है कलेक्टिव एग्रीमेंट के कुछ गाइडलाइंस यहां पर ILO ने दी हैं तो इसके अंदर ILO क्या बोलता है कि सबसे पहले तो एक प्रॉपर कलेक्टिव बारगेनिंग की मशीनरी होनी चाहिए जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और इम्प्लॉयर्स आपस में बैठ करके बात कर सकें और इस ऑर्गेनाइजेशन का इस जो मशीनरी है ये कैसे ऑपरेट करेगी क्या इसके फंक्शन होंगे ये भी प्रॉपरली डिसाइडेड होने चाहिए अब ये इंडिविजुअली एग्रीमेंट हो सकता है दोनों पार्टीज के बीच में या किसी देश के कानून के जरिए आप प्रॉपरली बताओ कि जी ये जो कलेक्टिव बारगेनिंग की मशीनरी है ये कैसे ऑपरेट करेगी या क्या फंक्शंस होंगे ठीक है कलेक्टिव एग्रीमेंट जो भी सिग्नेटरीज हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए या उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए जिनके बिहाफ पे उस एग्रीमेंट को साइन किया गया है अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन है या कोई भी ऐसा काम होता है स्टेब्लिशमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्ररी है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अपोज कर रहा है तो उसको नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा ठीक है जी उसके बाद जी जो भी कलेक्टिव एग्रीमेंट है वो सब वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए उस अंडरटेकिंग के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ वर्कर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है और कुछ के ऊपर नहीं एंड साथ ही साथ अगर कलेक्टिव एग्रीमेंट से रिलेटेड या कलेक्टिव एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोविजन है उन प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर बॉडी स्टेब्लिश होनी चाहिए अगेन ये दोनों जो इम्प्लॉयर और वर्कर हैं वो आपस में मिलकर के सेट कर सकते हैं कि हाँ जी अगर कोई भी आ, आ, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बॉडी सुनेगी या सरकार बता सकती है कानून में कि हां जी अगर कोई भी कलेक्टिव एग्रीमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट आता है तो आप इस बॉडी के पास अपने डिस्प्यूट को लेकर के जा सकते हैं ओके गाइस सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इसके अंदर हमने कलेक्टिव uh, अरेन्जमेंट uh, के बारे में एक चीज सीखी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड सेटलमेंट देन कैन रिजल्ट इन टू कलेक्टिव एग्रीमेंट और इंडिया के अंदर किस टाइप के कलेक्टिव एग्रीमेंट होते हैं सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है एंड आई एल ओ रिकमेंडेशन नंबर नाइनटी वन क्या है आई होप आप लोगों को ये लेक्चर में मजा आया होगा मजा आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन गो एंड डाउनलोड टेक केयर एंड बाय